हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। आज हम कॉर्न यानी भुट्टा उसकी फायदे यानी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे बनाते हैं, प्रेशर कुकर में डाल के या उबाल के कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज की वीडियो है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं करके। तो इसके लिए मैंने दो स्वीट कॉर्न लिया है, ये दो स्वीट कॉर्न है और हम बाहर से ख़रीदते हैं, एक छोटा सा ग्लास में खरीदते, मतलब मॉल वगैरह में मिलते हैं, वो भी 100 रुपीज़ पर कप मिलते हैं या उससे ज़्यादा भी मिलते हैं। लेकिन ये हम अगर ओरिजिनल खरीदते हैं ये पल्स, तो बहुत सस्ता भी पड़ेंगे और हाइजीन भी होंगे। घर में लिया के हम खुद ही बनाएंगे, उसमें सब चीज़ हम ही ऐड करेंगे, तो पेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएंगी और बच्चे को भी पेट भर के खाने का भी मिलेंगे और हमको भी अच्छा लगेंगे और इतना महंगा भी नहीं होएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और आप श्रीज कॉर्नर के लेफ्ट साइड के वो पिक बना रखे उसमें टच करेंगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट मैंने बना चुकी है जिसमें कंटिन्यूस वीडियोस आपको मिलेंगे और जो वीडियोस में लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस मिलेंगे और होम ये पोर्शन आएंगे जो श्रीज कॉर्नर है ना वो है। तो आइए आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियोस भी देख लीजिए, जो छूट गए हैं वो पीछे वो भी ज़रूर देख लीजिए। थैंक्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले हम इसका हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें डाइट्री फाइबर बहुत ज़्यादा है तो कॉन्स्टिपेशन जैसे डिसीज़ के लिए बहुत लाभदायक है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स की भरपूर केंद्र है। तो इसको खाने से बच्चों को और बड़ों को जो भी मिलना चाहिए, एजड लोगों को ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। मॉडरेट कंसम्पशन ऑफ स्वीट कॉर्न यानी करेक्ट कंसम्पशन वो हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और बता के रखे है अल्शेमर्स डिसीज़ का, जो बुढ़ापे में हम अपनों को और अपने बारे में सब चीज़ भूलने का एक डिसीज़ आजकल नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि एजड होने के बाद ना ये डिसीज़ सभी में हो जाता है। जो हम वैसे पुराने ज़माने जैसे नहीं है ना, हमारी अभी का खाने का स्टाइल भी बाहर का खाना हेल्दी नहीं खाते, हम अनहेल्दी खाने को खाते हैं। तो इस वजह से हमारी दिमाग धीरे धीरे है ना, हम भी बहुत भूलने लग जाते हैं। अभी भी हमको एक चीज़ कहाँ रखा है, इसको वापस कैसे निकालते हैं, कहाँ रखे करके हम ढूंढते रहते हैं। तो ये सब हम अभी से ध्यान रखेंगे तो हमको इस टाइप की बीमारियाँ नहीं आएंगे। और रोज़ हमारी डाइट में एक कॉर्न ऐड करने, एक बार कॉर्न कैसे भी करके पॉपकॉर्न खाइए और ये खा लिए, बट ये है कि थोड़ा सा आप घर में बना कर खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाहर जो मसाला डाल के देते हैं वो कितना अच्छा है, कितना हाइजीन है करके हमको भी पता नहीं। सो आप घर पर ही बना कर खा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम कॉर्न कैसे बनाते हैं। पहले मैंने एक इसका छिलका निकाल दिया तो हमको ऐसे ही मिलेंगे। तो हमने छिलका निकाल चुके हैं और इसका वो जो फाइबर जैसी ये ऊपर का चीज़ कोई कभी हम ना कुकर में डालते हैं तो इसके साथ डालेंगे तो इसका भी पोर्शन हमको मिल जाएंगे। और कुकर में डाल के सीटी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उबाल भी सकते हैं, बट यह है कि ऐसे डायरेक्ट उबालने से थोड़ा टाइम लगेंगे और कुकर में हम 3 विसल्स दे देंगे तो एकदम से अच्छे से पक के निकलेंगे और एकदम सॉफ्ट मिलेंगे। अभी देख लीजिए हम कुकर में इसको तोड़ कर डालेंगे। मैंने कुकर में डाल लिया है, अभी 3 विसल्स देती हूँ मैं तो अच्छे से पक जाएंगे। एक दो में ना मेरे को इतना सॉफ्ट नहीं बनती तो मैं 3 विसल्स तो देती है, बहुत अच्छी पक जाती है। तो मेरा ऐसे ही निकला और इसको बहुत ईजिली हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं ना, मैं चाकू यूज़ करती, कुछ भी नहीं यूज़ करती। हाथ से हमेशा सब चीज़ करो, हाथ का जो गुड बैक्टीरिया रहता है, हमारी बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरिया रहता है जो खाने के उसमें आने से हमारी हेल्थ को भी अच्छा रहता है। तो हाथ अच्छे से धो लीजिए और हाथ से ही निकाल लीजिए।
तो ऐसे एक लाइन ऐसे निकल जाएंगे ना फटाक फटाक से, हम ये बीज पूरा निकल जाएंगे। आप ऐसे करती रहिए, आप ट्राई कीजिए ज़रूर ऐसे ही निकालने का, क्योंकि टीवी देखते टाइम या कुछ भी टाइम पास करते टाइम ये बनाकर ऐसे ही निकाल कर थोड़ा सा बच्चों को भी खिला लीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेंगे। घर पर कोई एज और कोई व्यक्ति है तो मतलब एज वाला, उनको भी खिला लीजिए, थोड़ा दिमाग भी तेज़ होएंगे, यानी याददाश्त अच्छे आ जाएंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिए। तो हमने पूरा कॉर्न्स को अलग किया, ये उसका वो बीच का पार्ट है। तो अभी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल के हम बच्चों को और हम खुद भी खा सकते हैं उसमें, सिंपल सी चार चीज़ें मैं ऐड करूँगी। एक तो चीज़ है, ये डालेंगी तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे, और ये वजह मायोनीस है, और ये पास्ता मिक्स है, और थोड़ी सी सॉल्ट और ऐड करना है। बस ये चार चीज़ डाल के, नींबू नहीं डाले मैंने, ये चारों चीज़ डाल के आप खाकर देखिए, बहुत बढ़िया लगेंगे और उसका स्वाद इतना अच्छा लगेंगे कि बच्चे बार बार बोलेंगे कि और बना दो मम्मी करके, ऐसा है। हमको भी बहुत अच्छा लगेंगे, आप भी खुद खाकर देख लीजिए, और बहुत स्वादिष्ट। और हम थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस है तो ये चीज़ और बाकी चीज़ अवॉइड करके खाली उसको बिना नमक का खाने से हमारी डाइट अच्छा रहेंगे,
क्योंकि हम थोड़ा सा फैट हमारे शरीर में जम गया और हम थोड़ा सा मोटा है, तो नमक थोड़ी सी कम करने से है ना हमारी डाइट जल्दी से कंट्रोल हो जाएंगे। शुगर एंड साल्ट थोड़ी सी कम यूज़ करेंगे तो अच्छी से हमारी डाइट कंट्रोल वे में हो जाएंगी, आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो दैट्स आर ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। ज़रूर आप मेरी पीछे का जो भी वीडियोस मैंने डाले ज़रूर एक बार और देख लीजिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा और हो जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस मोर। बाय बाय।